नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान की। सुप्रीम कमेटी ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। इस समय अगर जो आप ओमान में रहते हो तो बात करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा कि ओमान में कितने तारीख से सभी कमर्शियल एक्टिविटी को बैन करने वाली है ओमान की सरकार। साथ ही बताऊंगा कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए केसेस आए, जिसकी वजह से ओमान की सरकार ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले बता दे कि आपको यहाँ पे ओमान सुप्रीम कमेटी ने नए आदेश जारी कर दिया, जो कि सभी गवर्नमेंट यानी पूरा ओमान में ये कानून को पालन किया जाएगा, जो कि 4 मार्च आपको बता दें। यहाँ पे अगर जो बात करें, जो अपडेट निकल के आई कि 4 मार्च से ओमान सुप्रीम कमेटी ने क्लोज कर दिया सभी कमर्शियल एक्टिविटी। अब पूरा डिटेल आने वाले अगले वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इतना बता दूं कि 4 मार्च तक अभी समय, मतलब आज तो 1 मार्च है। वहीं बात करें कि ओमान में पिछले 24 आवर में कितने नए केसेस आए हैं, मैं उनकी अगर जो बात करूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट कर जानकारी दिया कि बात करें यहाँ पे 24 घंटों में 312 नए केस आए। भाई मतलब आप समझ सकते हैं कि ओमान में केस लगातार स्लोली सही, मगर 300 प्लस डे, एक दिन में 300 प्लस डेली तकरीबन आ रहे हैं, जो कि इसकी वजह से ओमान की सरकार काफी मतलब यहाँ पे फुर्ती दिखा रही है और बहुत सारे एक्टिविटी को बंद करने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन हुई। बात करें कि अब तक ओमान में आज तक कितना केस हो चुका है, टोटल केस की अगर जो मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आपको 1,41,808 आदमी अब तक इस पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक का शिकार ओमान में हो चुके हैं, जो कि काफी बेड है भाई, क्योंकि ओमान तकरीबन 4 से 5 मिलियन के बीच का पॉपुलेशन ओमान में इस समय मतलब रहती है। वहीं बात करें कि इसमें कितने आदमी स्वस्थ हुए हैं, अगर जो यहाँ पे मैं बात कर लूँ कितने आदमी स्वस्थ हुए उनकी अगर जो बात कर लूँ तो 1,32,685 आदमी अब तक यानी ठीक हो चुके हैं इस पेंडेमिक की वजह से, जो कि काफी बेहतरीन है भाई। देखा जाए तो 1,41,000 प्लस केस है ओमान में और इसमें 1,32,000 आदमी ठीक भी हो चुके हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें कि यहाँ पे पिछले मतलब जो केस आया उसमें कितने आदमी आज तक ओमान में एक्सपायर हुए, मैं उनकी अगर जो बात कर लूँ तो यहाँ पे 1577 आदमी, 1577 आदमी अब तक इस पेंडेमिक की वजह से अपना जान गवा बैठे, जो कि काफी बैड है। वहीं रिकवरी की जैसे मैं बात कर लूँ कि रिकवरी रेट कितना ओमान में है इस समय, तो आपको 94% है रिकवरी रेट, जो कि काफी जबरदस्त है भाई। किसी भी कंट्री में 94% का रिकवरी रेट होना काफी गर्व की बात है उस सरकार के लिए, जो कि इस समय देखा है तो ओमान में काफी बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। बात करें कि जैसे ओमान में 24 घंटों में देखा है तो मतलब काफी 300 प्लस केस ही आए हैं, मगर ओमान की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा है तो काफी ज्यादा है। अगर जो आप इस समय ओमान में रहते हो तो मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और हैंड वॉश, हर एक चीज का मतलब साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा अगर जो आप इस समय ओमान में रहते हो तो, क्योंकि ओमान में देखा जाए तो कोई डरने की हालांकि कोई बात नहीं, मगर थोड़ा सा केस में उछाल हो रहा है ना, जिसकी वजह से मतलब आप होशियार रहोगे, सेफ रहोगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। तो ये थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।